आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा से पहले महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल लेकर जाने के प्रतिबंध के बाद अब इस पर सियासत गरमाने लगी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तारना विधानसभा के विधायक महेश परमार ने महाकाल के गर्भगृह में फोटोग्राफी को लेकर प्रतिबंध पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो अपना फोटो शूट कराते हैं लेट कर, खड़े रहकर, दाएं बाएं, और एक भगवान महाकाल के भक्त श्री राहुल गांधी जी आते थे, ये प्रतिबंध, ये दोहरी नीति क्यों? हम इसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो शूट हुआ, ऐसे आदरणीय राहुल गांधी जी जब भगवान महाकाल जी के श्री चरणों में नमन करें तो राहुल गांधी जी के भी फोटो खिंचाना चाहिए। इससे क्या परहेज? ये राहुल गांधी जी की यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसकी बौखलाहट है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन या देश या प्रदेश की सरकार हमें रोक के बताए। मैं खुद जब राहुल गांधी जी भगवान श्री महाकाल जी के चरणों में श्री नमन करेंगे उस समय मैं खुद फोटो खींचूंगा। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि गर्भगृह में फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध पिछले 6 माह से लागू है। मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फोन ले जाना हमेशा से ही प्रतिबंधित रहा है और समय समय पर इसके आदेश भी निकलते रहे हैं। जो पुराना आदेश है लगभग 6 महीने पुराना है जब पुनः इसको प्रतिबंधित किया गया था। श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है, चाहे सामान्य श्रद्धालु हों, नंदी हॉल से करने वाले श्रद्धालु हों या फिर गर्भगृह के अंदर जाने वाले श्रद्धालु हों। और उसी बीच में देखने में ये आ रहा था कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण बीच बीच में कुछ लोग उसी में से मोबाइल अंदर लेके जा रहे थे और अंदर से फोटोग्राफी भी हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने सख्ती से इस जो हमारा पुराना आदेश था उसको लागू करना प्रारंभ किया है और गर्भगृह में मोबाइल फ़ोन ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मोबाइल फ़ोन से गर्भगृह के अंदर की फोटोग्राफी भी हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखी है। इससे न केवल गर्भगृह में जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही थी बल्कि वहाँ पर समय भी बहुत अधिक लग रहा था और उसके कारण जो सामान्य श्रद्धालु हैं जो पीछे से दर्शन कर रहे थे उनको भी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये सख्ती हम लोगों ने बनाई। मामले को लेकर मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु ने बताया कि पहले से ही मंदिर में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है और विशेष अवसरों पर ही मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति दी जाती है। 1998 के अंदर जब महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंध समिति के प्रशासक महोदय माननीय आनंद शर्मा जी जब यहाँ के प्रशासक हुआ करते थे तो भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे स्वतः ही सारे फोटो की फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग को प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही वीडियो शूटिंग के ऊपर सशुल्क शूटिंग करने की अनुमति प्रदान की जाती है मंदिर समिति के द्वारा। विशेष परिस्थितियों में अनुमति ली जाती है, प्रशासनिक रूप से अगर अनुमति ली जाती है, विधिवत मंदिर की राशि जमा करके अगर अनुमति ली जाती है तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहाँ पे कर सकते हैं।